वेलकम टू स्टडी अलॉट। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं BEE के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी। एनर्जी के फील्ड में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और हमारे एनर्जी कंजर्वेशन में ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, वो जानेंगे हम आज के लेक्चर में। जैसा कि आप सबको पता है, एनर्जी ह्यूमन लाइफ के लिए एक बेसिक चीज़ है और एनर्जी की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए एनर्जी का इफिशियंस यूज करना और उसको कंजर्व करना हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और जानेंगे कि BEE क्या है। तो BEE को जानने से पहले जानना जरूरी यह है कि एनर्जी इफिशियंसी होती क्या है। तो एनर्जी इफिशियंसी देखा जाए तो इसका हिंदी मीनिंग है ऊर्जा दक्षता। यानी कि अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन करा जाए और वो दोनों ही चीज़ें कोई सेम वर्क कर रही हैं और उन सेम वर्क को करने में जो चीज़ कम एनर्जी कंज्यूम करेगी, यानी कि वो चीज़ कहलाएगी ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 12 वाट का LED बल्ब 75 से 80% लेस एनर्जी यूज़ करता है 60 वाट के ट्रेडिशनल बल्ब से, लेकिन इन दोनों के बल्ब के द्वारा दी जाने वाली जो लाइट है वो इक्वल होती है। यानी कि यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि जो 12 वाट का LED बल्ब है वो हमारे 60 वाट के ट्रेडिशनल बल्ब से ज़्यादा एनर्जी इफिशेंट है। बिकॉज सेम लाइट प्रोड्यूस करने में 60 वाट का बल्ब 60 वाट की एनर्जी यूज़ करता है, जबकि LED बल्ब सेम लाइट को प्रोड्यूस करने में 12 वाट यूज़ करता है। यानी कि यहाँ पर LED कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसलिए LED यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करी जाए तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। यानी कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए और एनर्जी अगर हम किसी सिस्टम में देते हैं और उस सिस्टम से जो निकलने वाला आउटपुट है, इन दोनों का अनुपात ही इफिशियंसी कहलाता है। इफिशियंसी हमेशा आपने देखा होगा 100% से कम होती है, बिकॉज जो हमारा वर्क आउटपुट है और वर्क इनपुट है, जब भी हम किसी भी वर्क को करने के लिए कोई भी एनर्जी देते हैं तो कुछ एनर्जी उसकी फ्रिक्शन में और हीट में कंज्यूम हो जाती है और कुछ एनर्जी उसकी आउटपुट वर्क या ये कहें यूजफुल वर्क में खर्च होती है। इस कारण से इफिशियंसी हमारी हमेशा 100% से कम आती है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम एनर्जी इफिशियंसी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बेनिफिट है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यानी कि अगर हम ज़्यादा एनर्जी इफिशियंसी वाली डिवाइस यूज़ करेंगे तो वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगी, और कम एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब है हमारा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है हमको वो भी कम करना पड़ेगा, जिसके कारण से हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है रिड्यूसिंग डिमांड फॉर एनर्जी इंपोर्ट एंड लोअरिंग आवर कॉस्ट। आपको पता है हमारे देश में जो भी पेट्रोलियम है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कोल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारा ज़्यादातर कोल चाइना और ऑस्ट्रेलिया से आता है और पेट्रोलियम हमारा ज़्यादातर अरब देशों से, ईरान, सऊदी अरब, इराक, यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, जिसके बदले में हमारा देश का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। अगर हम इस एनर्जी इफिशियंस डिवाइस को यूज़ करके अपने एनर्जी कंजप्शन को कम कर दें तो हमारे देश की इकोनॉमी है उसका भी पैसा बचेगा और जो हमारे घर का खर्चा है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका, इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट इमीडिएट वे टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल।
जैसा कि आप सबको पता है, हम दिनों दिन फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं और इसके लिए हम बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ टेक्निकल बैरियर्स के कारण हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि वो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सके। इसलिए एनर्जी इफिशेंट डिवाइस का यूज़ करना सबसे चीपेस्ट और सबसे इमीडिएट वे है कि उससे फॉसिल फ्यूल के यूज़ को जल्द से जल्दी रिड्यूस करा जा सकता है, बिकॉज एनर्जी इफिशेंसी के कारण हमारा एनर्जी कंजप्शन सीधे सीधे कम होता है। एनर्जी इफिशेंसी का जो हमारा इम्प्रूवमेंट का एरिया है वो हर सेक्टर में है। आप चाहे वो बिल्डिंग का एरिया ले लें, ट्रांसपोर्टेशन का एरिया ले लें, या फिर हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी जगह पर हम एनर्जी इफिशेंस डिवाइस का यूज़ करके अपने एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं और अपने जो भी खर्चा है, जो भी हमारे एनर्जी के बिल हैं, उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे BEE के बारे में। तो BEE की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का गठन करा गया था 1 मार्च 2002 को। इसका गठन करा गया था एक एक्ट के कारण, जिस एक्ट का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। बीई का मेन फंक्शन है एनर्जी कंजर्वेशन करना और भारत के अंदर एनर्जी इफिशियंसी यूज को इंक्रीज करना। गवर्नमेंट ने 2010 से एक ऐसा नियम लागू कर दिया है कि जितने भी हमारे एनर्जी इक्विपमेंट हैं उस पर बीईई को छापना या ये कहें बीईई का मार्क लगाना मैंडेटरी कर दिया है, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा एनर्जी अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बीईई अप्रूव है और एनर्जी इफिशियंट है, ताकि हमको ऐसे इक्विपमेंट को बढ़ावा देने में आसानी हो जाए और आम आदमी आसानी से ऐसे इक्विपमेंट को पहचान सके कि ये इक्विपमेंट बीईई अप्रूव है और एनर्जी इफिशियंट है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी का जो मिशन है वो है पूरे कंट्री में हमारे जो एनर्जी की डिलीवरी है उसको हर एक तक पहुंचाना और एनर्जी इफिशेंसी को देश के हर सेक्टर तक पहुंचाना। लेकिन बीई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे देश की इकोनॉमी में एनर्जी की बढ़ती हुई डिमांड को धीरे धीरे रिड्यूस करना और अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं एनर्जी के उसको ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड करना। यहाँ हम बात करेंगे बीई के मेजर प्रमोशनल फंक्शन पर। तो यहाँ पर पहला फंक्शन है बीई का क्रिएट अवेयरनेस एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन एनर्जी इफिशेंसी एंड कंजर्वेशन, यानी कि लोगों में जागरूकता पैदा करना। डिसेमिनेट का अर्थ होता है प्रचार और प्रसार करना, यानी कि लोगों के अंदर एनर्जी इफिशेंसी के बारे में प्रचार प्रसार करना और जागरूकता पैदा करना कि वो एनर्जी इफिशेंस डिवाइस का यूज़ करें और एनर्जी को कंजर्व करें। सेकंड पॉइंट है अरेंज एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एंड स्पेशलिस्ट इन द टेक्निक फॉर इफिशेंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। यहाँ पर बात करी जा रही है ऐसे लोगों को ट्रेन करने की जो कि स्पेशलिस्ट हैं हमारे, और उनको एनर्जी इफिशेंट की टेक्निक और उसको कंजर्व करने वाली जो भी टेक्निक है उसके अंदर उनको पूरा स्पेशलाइजेशन प्रदान करना, ताकि वो और लोगों को भी इसके बारे में बता सकें। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ कंसल्टेंसी सर्विस इन द फील्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन।
यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विस को एनर्जी कंजर्वेशन के फील्ड में मजबूत करने की बात हो रही है, बिकॉज हर एक को एनर्जी कंजर्वेशन की जो सही टेक्निक है या यह कहें मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक का नहीं पता होता है। तो कुछ ऐसी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो कि एनर्जी कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, और इंडस्ट्रीज या ये कहें कुछ हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं वो इन एनर्जी कंसल्टेंसी सर्विस को लेकर अपने यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर उन रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करी जा रही है जो कि एनर्जी इफिशेंसी से रिलेटेड हो। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर डेवलप टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एंड प्रमोट टेस्टिंग फैसिलिटीज़। यानी कि यहाँ पर उन इक्विपमेंट की टेस्टिंग की बात करी जा रही है जो कि BEE के जो नॉर्म्स हैं उन पर बनाए गए हैं, और उनकी टेस्टिंग करके उनको BEE का सर्टिफिकेशन दिया जाता है ताकि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। सिक्स्थ पॉइंट है फॉर्मुलेट एंड फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट एंड डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमारे देश में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो कि एनर्जी इफिशेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो ऐसे पायलट प्रोजेक्ट और डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करना और उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करना वो BEE का मेजर फंक्शन है। सातवां फंक्शन इसका प्रमोट यूज ऑफ एनर्जी इफिशेंट प्रोसेस इक्विपमेंट डिवाइस एंड सिस्टम। यहाँ पर ऐसे प्रोसेस इक्विपमेंट डिवाइस और सिस्टम को प्रमोट करने की बात करी जा रही है जो कि एनर्जी इफिशेंट हो। यानी कि हमारे इंडस्ट्री आम आदमी ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इफिशेंट हो। आठवां पॉइंट है टेक स्टेप टू इनकरेज प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर यूज ऑफ एनर्जी इफिशेंट इक्विपमेंट और अप्लाइंसेस। आम लोगों को इनक्रेज करना कि वो ऐसे एनर्जी इफिशेंट और अप्लाइंसेस यूज़ करें ताकि हमारे देश की एनर्जी बचे और जो उनकी हाउस होल्ड एनर्जी कैपेसिटी है वो भी कम हो सके। नाइन्थ पॉइंट है प्रमोट इनोवेटिव फाइनेंसिंग ऑफ एनर्जी इफिशेंसी प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल प्रमोट करना या फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना जो कि एनर्जी इफिशेंसी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दसवां पॉइंट है गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे एनर्जी इफिशियंट के यूज़ को और कंजर्वेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, आम लोगों में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशनल हाउस को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना BEE का एक मेजर फंक्शन है। इलेवेंथ पॉइंट है प्रिपेयर एजुकेशनल करिकुलम ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। हमारे जितने भी एजुकेशनल करिकुलम है वहाँ पर एक ऐसा सिलेबस बनाना कि उन सिलेबस में एनर्जी का इफिशेंट यूज़ और एनर्जी के कंजर्वेशन के तरीकों को हमारे छात्र जान सकें और ऐसी पॉलिसीज़ को जान सकें जो भारत सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन और इफिशेंसी के लिए चला रखी है। बाद में छात्र इन्हीं पॉलिसीज़ को या इन्हीं करिकुलम को पढ़कर एनर्जी इफिशेंसी के फील्ड में आगे जाके काम कर सकें। ट्वेल्थ पॉइंट है इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम रिलेटिंग टू इफिशेंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम चलते हैं एफिशिएंसी यूज ऑफ एनर्जी और इसके कंजर्वेशन को लेकर। तो ऐसे प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करना अपने देश में ये एक BEE का मेजर फंक्शन है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं जो कि
हमारे देश में अभी नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में है, जो कि ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट है और उनसे ज़्यादा एनर्जी सेविंग हो सकती है। कुछ ऐसी टेक्निक को अपने देश में लाना, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी को अपने देश में लाना और उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करना, वो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के साथ। ये बीई का एक मेजर फंक्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।